आदाब, नमस्कार आप सब लोगों को। मेरे जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, सबको मेरा सलाम नमस्कार। जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ देर पहले मैं और दुर्गा जी दोनों लाइव चैट में थे। जो कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज, हर साल की तरह वो कलाकारों के लिए एक सरप्राइज लेके आती है, उनके दिल की बात लेके आती है। और ये दिल की बात जो है एक कलाकार की नहीं है, ये हम सब की है कि जो कि आर्ट से चाहे जुड़े हो या ना जुड़े हो, हम सब के लिए है उत्साह। और उत्साह जो है वो हम सबको है इस वक्त, एक होप है, एक उत्साह है, कुछ चीज अच्छा काम करने की, अच्छा म्यूजिक करने की। और वो शुरुआत जो है म्यूज़िक के ज़रिए हो रही है, और मैं तहे दिल से दुर्गा जी का और उनकी पूरी टीम का और हमारे पंडित जसराज जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआएं करता हूं कि आप लोग सलामत रहें और म्यूजिक को जो एक प्यार आप लोगों के घर से जो मिला है, उसका मैं हम सब कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत नमन करता हूं। और एक प्यार भरे राग के साथ मैं आज की शाम की शुरुआत करता हूँ। ऐसे तो बहुत लोग जुड़े हैं, कौन कौन है ये देखो। नमस्कार भैया, नेपाल से भी हैं, थोड़ा फोन मेरा दूर है इसलिए माफी चाहता हूँ। आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आनंद भाई हैं, रोजी हैं, बिंदु जी हैं, साबिर भाई, वाली साहब का फेवरेट रागा सुनाना है। अच्छा है, ये भी उनका एक फेवरेट रागों में से एक है। दिवाकर जी, मैं हम सब लोग मिलकर दुर्गा जी को पहले शुक्रगुजार हैं, थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने ये एक अच्छा मैसेज म्यूज़िक के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि उत्साह रखिए, इंशाल्लाह
उसी में सब कुछ मीठा फल है। तो राग कोशी खाना आप लोग की खिदमत के लिए पेश है, और जो भी गलतियां हो उसको दरगुजर करें। संदीप भैया नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नवदीप भाई वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने अपना कीमती, बहुत ही कीमती समय जो कि हम लोग घर में गुजार रहे हैं वो निकाल के आप लोग रूबरू हो रहे हो, इजाज़त दीजिए सब लोग।
Oh,
थोड़ा झूठा तबला है, अभी फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ रहा है। सारे सच्चे तबले प्लेयर तो उससे दूर हैं, और जितने भी तबला नवाज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं तो सुने, अभी बेचारा ये देख लो कि रॉबर्ट है, तबला सुर में नहीं है तो हथौड़ी भी नहीं है मेरे पास, अब ये चल रहा है वैसे ही है। Oh,
आचार्य अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you.
बहुत शुक्रिया आप सब ही महान लोगों का, जितने भी इसमें जुड़े हैं, मेरे लिए सारे ही महान हैं, सारे ही बड़े हैं, सारे ही मेरे अपने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो मैं आज की जो हमारी, जिसने हम सबको जोड़ा है, आप सबके रूबरू, वो है दुर्गा जसराज जी। और अब थोड़ी आप लोगों से बातचीत हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी मैंने लंबा बजाया तो इतना टाइम मेरे पास था नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि ये जब इबादत का कोई टाइम नहीं होता, और जब साज हाथ में हो, ईश्वर साथ हो, तो फिर क्या टाइम को देखना। रमेश भैया, अलसंतरा जी, अद्रियाज, अद्रीजा, सरस, बिंदु, उर्मी, संकेत तिवारी, नैनेश, दिवाकर दास, मधुरा जी, सौमित्रा जी, बहुत से जी, जी सारे जी हैं मेरे लिए तो। नहीं यार उस्ताद जी मत लगाओ भैया, साबिर बोलो, साबिर भाई बोलो, साबिर जी बोलो, वो ठीक है। तो ये राग कोशिकांगड़ा मैं बजा रहा था, और अब आप लोग को एक राजस्थान में मैं हूँ इस वक्त, जोधपुर में, और राजस्थान का ये एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है, जो कि मेरे वालिद, मेरे गुरु उस्ताद सुल्तान खान साहब ने गा के और भी उसको पॉपुलर किया। वैसे तो राजस्थान में एक ऐसी रीति रिवाज हम कह सकते हैं कि जो कि हर एक वक्त के गाने यहाँ मैंने बचपन से सुने, जैसे कि शादियों के, विदाइयों के, या जो भी हम बोल सकते हैं कोई फेस्टिवल हो, उनके ऊपर भी गीत गाए गए हैं, किसी के वेलकम के लिए हो। मैं केसरिया बालम नहीं बजाऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे लिए तो जिसको आना था वो बालम आ चुका है। तो बहुत से ऐसे गीत हैं, आप लोग के लिए एक बहुत मेरा फेवरेट, और दुर्गा जी का भी बहुत फेवरेट पसंदीदा अब्बा का ये गाना है, नदी के किनारे। और उसी में एक छोटा सा एक लोरी भी है, वो भी बहुत पसंद है। हाँ भैया, पिया बसंती, वो हमारे अब्बा कहते थे कि कोई उनको फरमाइश करता था ना पिया बसंती की, तो कहते थे अरे यार अब इस 70 साल की उम्र में तो कौन सी बसंती आएगी तो मैं बड़ा ऐसा करता था। खैर मैं ज़रूर थोड़ा सा आप लोग के लिए या बसंती भी आपकी फरमाइश पे बजाऊंगा। तो जी राग मांड में ही, आसपास में ही है पिया बसंती, प्लीज़। अरे वाह भैया, ये पिया बसंती आज मुझसे बजवा के रहेंगे, मैं ज़रूर आप लोग की खिदमत में बजाऊंगा। तो पहले पिया बसंती ही बजा देता हूँ, फिर बाद में वो, क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक जगह का अलग अलग रूल्स है, और वो रूल्स हमें फॉलो करना है। तो पिया बसंती जो है वो एक बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक चीज़ है, वो मैं चाहता हूँ कि वो पहले बजा दूँ। तो पिया बसंती आपके लिए एक छोटा सा एक दो लाइन बजाते, फिर मैं आपको एक राजस्थान का बहुत मशहूर लोकप्रिय गीत है वो मैं बजाऊंगा, और उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये मेरा पेज भी नहीं है, ये हमारी दुर्गा जी का पेज है। और
तो पता नहीं वो अगर कहें कितनी देर और है तब देखते हैं। ओ एक बार अगर वहाँ से कुछ हुक्म हो तो जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों से बातचीत हो नहीं पाई इसलिए थोड़ी सी बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि बात करना सिखाया नहीं गुरुओं ने, गाना बजाने के अलावा कुछ सिखाया नहीं, तो ज़्यादा बात करता नहीं मैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। बिला साधन बिंदु जी क्या बात है, थैंक यू।
ये प्रिया बसंती आपकी फरमाइश पे और एक नदी के किनारे में बजाना चाहूँगा। सिंगर नहीं हूं लेकिन सिंगर जैसे शौक सारे हैं। साजन साज मैं करूं साजन जीव जड़ी है साजन साज चुड़ी लाऊं पर
बाजू गड़े गड़े आप रे बिना चोम सो इसी के साथ एक जो कि मुझे लोरी की भी फरमाइश आई और ये भी दुर्गा जी का बहुत पसंदीदा गीत है जो अब्बा गाया करते थे। मुझे मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जाओ रे तन लोरी सुनो सो जाओ रे सो जाओ रे सो जाओ रे सो जाओ रे तन लोरी सुनो देखते नैन सपनों देखो देखते नैन सपनों देखो हर एक माँ अपने बच्चे के लिए सपना देखती है। मेरी भी माँ ने देखा, हम सब की माँ देखती है कि उसका बेटा
बड़ा होके कुछ काबिल बने, बुरा इंसान ना बन के अच्छा इंसान बने, अच्छा पैगाम देती है माँ हमेशा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि माँ पहले गुरु होती है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। तो हर एक माँ का सपना होता है कि उसका बेटा फले फूले और खूब नाम करे। जैसे चाँद खूबसूरत है वैसा वो अपने बेटे को चाँद से कंपेयर करती है। और कोई माँ ये दुआ नहीं करती कि मेरा बेटा वॉचमैन बने या चपड़ासी बने या पीयू बने। बड़े ऊंचे सपने होते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सपने बड़े ऊंचे होते हैं माँ के। देखता मैं सपना देखूं, देखता मैं सपना देखूं, मत रो मेरे लाल रे। देखता मैं सपना देखूं, मत रो माँ की आशीष फले फुलावे, माँ की आशीष फले फुलावे, जुग जुग जीवो मेरे लाल रे। सो जा रे तने रे सुना, सो जा रे सुजारे,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अभी अभी हमारे बड़े भाई मुराद भाई जुड़े हैं, मैं उनको बहुत सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ बड़े अदब के साथ। और भी बहुत से लोग हैं, मेरे फ़ोन की बैटरी ज़रा, आप लोग यहीं बैठे, मैं ज़रा चार्जिंग का बंदोबस्त करता हूँ और फिर आपसे सवालात लात तो नहीं सवाल पूछेंगे। और बस थोड़ा सा मुझे आप एक दो सेकंड का टाइम दीजिए अगर इजाज़त हो तो प्लीज़। हाँ जी, सो बिल्कुल सो ये मुराद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आप लोग की दुआ है, बड़े भाई हमारे आप, और आप खुद एक बहुत काबिल, जो कि अल्लाह ने आपके अंदर एक हर एक चीज़ फूट फूट के भरी है, सुरीलापन, तैयारी और हर एक चीज़। मैं बड़ा फ़ैन हूँ आपका, खुश रहें आप, सलामत रहें हमेशा। सो रमेश भाई भी जुड़े हैं, साबिर भाई मिस यू, बिल्कुल मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ रमेश भैया आपको, इंशाल्लाह ज़रूर हालात ठीक होंगे, ज़रूर मिलने आएंगे। और एले जी प्रणाम भैया आपको भी, गणेश बारिक मांड जी, बस ये समझ लो ये मांड ही बजाया मैंने उर्मी जी, पारसनाथ जी हैं, मांड प्लीज, अनैया जी हैं, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का भी बड़ा टाइम निकाल के आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, मेरे जो भी कमी वाले म्यूज़िक में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कमी थी मुझे पता है, और बस जो भी कमियां हुई हो उसे दरगुजर करें और अप्रिशिएट करके उसे दुआ दीजिए, बस और कुछ नहीं। रवि भैया प्रणाम, आपको भी प्रणाम, सौमित्रा जी आपको भी प्रणाम फ्रॉम गोवा, अच्छा आई होप गोवा में हालात हाल चाल सब अच्छे हैं, थैंक यू भैया आप सब लोगों का, बहुत से लोग हैं। और मैं दुर्गा जी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के रूबरू हूँ। और ये देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कम से कम ये सोशल मीडिया, सोशल डिस्टेंस तो खैर अब हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया अभी तक हमारे साथ है कि हम सब आप लोगों से घर बैठे एक अलग अलग देशों में हम लोग मिल सकते हैं। कुमार अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी खुश रहो, आपने बहुत से प्रोग्राम किए हैं मुझे पता है, बिल्कुल लंदन में काफ़ी मैं बहुत जिक्र सुनता था आपका अब्बा से। रमेश भैया बहुत बहुत शुक्रिया, और रमानंद जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम भैया। बिल्कुल ये लॉकडाउन के समय ये मौका मिला है, ये सिर्फ दुर्गा जी की बदौलत है, बाकी तो हम लोग तो खैर आते ही जाते ही हैं, लेकिन आज कुर्ता पहन के आए लाइव अच्छा मान बजाया था, उनकी याद दिला दी आपने, थैंक्स। अरे भैया वो तो खैर कुछ अलग दुनिया थी, और उनकी बात ही अलग है, खैर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का,
बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल आशीर्वाद है आपको। मैं फिर एक बार आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। या आप दुर्गा जी को कहो, वो बार बार आती रहें और हमें बुलाती रहें, हम ज़रूर आते रहेंगे। प्रणाम जयेश में। और कुछ अगर आपको पूछना हो राग के बारे में या कुछ भी, तो आप मुराद भाई से पूछ सकते हैं। तो जिल को, ये कौन है, विनोद जी हैं। तमाम उम्र बीती अश्क को भातो मोमिन, आखिरी वक्त में क्या ख्याल मुसलमान होंगे। आपका इश्क सारंगी है तो बहुत गहरी है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरा इश्क है, सारंगी है। मैं हमारे घर के बच्चों को भी कहता हूँ कभी कभी कि, और मैं आप लोगों से भी एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब कोई चीज़ मुश्किल लगे तो उसका एक कारण है कि हमने उससे दोस्ती नहीं की, उससे रिश्तेदारी नहीं की। तो चाहे वो बच्चे पढ़ाई के लिए ही क्यों ना टेंशन में हो या थोड़ा मुश्किलात उनको लगती है, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि बेटा, मुझे भी सारंगी बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन जब मैंने एक दिन सोचा कि यार ये बचती क्यों नहीं, जो अब्बा चाहते हैं वो मेरे से निकल क्यों नहीं रही, वो हो क्यों नहीं रही, बात क्या है। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया एक दिन, मेरे को मेरी बहन ने राखी बांधी थी और मैंने सोचा कि चलो इसको, वो राखी उठा के मैंने मेरी सारंगी में बांध दी। तो तब से एक रिलेशन मेरा इससे हो गया, एक बहन का रिलेशन हो चाहे एक दोस्त का हो, तो एक हमदर्द है मेरी ये। तो मैंने इससे दोस्ती की तो ये मुझे समझने लगी, मैं इसे समझने लगा थोड़ा बहुत। और जो भी कुछ आज हुआ या जो होता है हमेशा, वो सब आप लोग के सामने है। तो इसीलिए अपने काम से आप दोस्ती करो, अपने हुनर से आप दोस्ती करो, अपने पढ़ाई हो चाहे बिजनेस हो चाहे जो भी काम हो, उससे एक बार आप उससे रिलेशन तो बनाओ। रिलेशन बनेगा, वो चीज़ अपने आप आपको समझेगी और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हर एक चीज़, हर एक मुश्किल आसान होगी। और बस यही एक चीज़ है। विनोद भाई, विनोद चौबे, अच्छा आपकी फिंगर को कौन डांस करा रहा है? भैया मेरी फिंगर को डांस ये देख लो कि लॉकडाउन करवा रहा है। थैंक यू फिर भी। दिबाकर जी बहुत सुंदर उस्ताद जी, थैंक यू भैया। ग्रेट विटनेस मेडिटेटिव मूड, थैंक यू भैया। आनंद रूप जी, घोष साहब, दीपेश निगम जी वॉचिंग कर रहे हैं चलो अभी तक, बिल्कुल। प्रीति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिंगर वैभव, थैंक यू मेरे भाई वैभव। गॉड ब्लेस यू, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, दुआएं। और सर मिश्रा जी, उफ अमेजिंग वॉइस। अरे नहीं, ऐसे मत बोलो यार, वॉइस ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। अच्छा तो ये चीज़ है। और देखिए कि हमारे म्यूज़िक को, हम खुश नसीब हैं कि कितने प्यार करने वाले लोग हैं जिन्होंने हमें, एक कलाकार को प्लेटफॉर्म मिलता है, कलाकार को आज घर बैठे मैं आप लोगों के रूबरू हूँ, जो कि हमेशा, वैसे फेसबुक पे हम लोग होते ही हैं, लेकिन ये एक मज़ा अलग ही है कि ऑर्गेनाइज़र वाला मज़ा ही अलग है। तो खैर, हमारी दुर्गा बहन बहुत कमाल काम कर रही हैं, उनकी पूरी टीम और उनकी जो सोच है आज से नहीं है। मैंने अब्बा का एक रिकॉर्ड पुराना सुना था, उत्सव करके था, ये उत्साह है। तो उसमें जाकिर जी और अब्बा का भी था, और अब्बा का सोलो भी मैंने दो उसमें सुने। और तब से मुझे इनसे बहुत प्यार है और मैं बहुत दुआएं करता हूँ कि दुर्गा बहन जैसी और भी कई लोग ऐसे हैं जो कि म्यूज़िक के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप दुर्गा जी को आप फॉलो करते रहें, उनके साथ जुड़े रहें। जैसे कि कल भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कलाकार के साथ में ये शाम बिताई, रात बिताई, और ये दिन बिताया, और ये समय बिताया, या बुरा वक्त बिताया, और ये अच्छा वक्त और बिता रहे और आएंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग दुर्गा जी को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि वो आर्टिस्ट को सपोर्ट करती हैं, और जो आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। कि ऐसे दौर में एक आर्टिस्ट को वो मान और वो सम्मान मिलना
ये थोड़ा सा मुश्किलात हैं, क्योंकि आज मैं एक अब्बा का एक इंटरव्यू सुन रहा था। ऐसे ही किसी ने किसी ने मुझे टैग किया, मैं सुन रहा था। तो उन्होंने किसी ने कहा कि पहले के गाने बजाने में और अब के गाने बजाने में क्या फ़र्क है खास साहब। तो उन्होंने ये की चीज़ कही कि यार पहले के गाने बजाने में ये नहीं बोल सकते कि वो पहले का गाना बजाना था, ये बोल सकते हैं कि वो आज भी वही गाना बजाना है, क्योंकि वो रूह गाती थी और रूह सुनती थी। और यही आमिर खान साहब का कॉल है कि गाना बजाना वो गाना बजाना हो जो रूह गाए और रूह सुने। और तो आजकल का जो गाना बजाना है वो एक तरीके से एक मौसम है आजकल। बिन बादल बारिश भी हो जाती है, बिन मौसम आंधी भी तूफान भी चली जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो मेरे मुझे लगता है कि आज भी हमारा जो शास्त्रीय संगीत जो है वो अमर रहेगा और अमर हमेशा रहेगा वो है। और बस यही एक चीज़ है कि उसको चलाने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले दुर्गा जी जैसे लोग हों तो सपोर्ट करें। खुद भी वो बहुत अच्छा गाती हैं, इसलिए वो म्यूज़िक से और भी ज़्यादा उनकी मोहब्बत। और खैर उनके नस नस में म्यूज़िक है, जैसे कि हमारे सबके नस नसों में म्यूज़िक है। बस हमारा ये एक कोशिश ये रहती है कि बस कहते हैं कि किसी को किस चीज़ का नशा होता है, किसी को शराब का है वो, तो किसी को सिगरेट का है, तो किसी को किस चीज़ का है। तो भैया मुझे तो मेरे कलाकारों को या मेरे सुनने वालों को म्यूज़िक का नशा है, तो मैं तो उन लोग को म्यूज़िक ही दे सकता हूँ भैया। और इस बुरे वक्त के साथ मैं आप लोग को एक ही चीज़ दुआ दे सकता हूँ, आशीर्वाद दे सकता हूँ कि आप लोग खुश रहें और जहाँ भी रहें सेफ रहें, और जहाँ भी रहें बस वहीं रहें। और वो एक चीज़ आई मेरे सामने, कल मैसेज आया था, बड़ा हंसा मैं, कि जो वो डायलॉग था कि जो डर गया वो मर गया। तो अभी ये डायलॉग है कि जो डर गया वो बच गया। सो प्लीज़ बी सेफ, अपने अपने घरों में रहें। और सुरेश जी, दिल से आपसे बहुत प्यार है, आपका बच्चा हूँ। नहीं यार ऐसे मत बोलो, मेरी उम्र के लग रहे हो आप। बस कृपा रखना, आशीर्वाद चाहता हूँ। बिल्कुल आप खुश रहें बिंदु जी, अच्छा रास्ता मिला, रूह गाए बजाए और रूह सुने। जी बिल्कुल, ये उस्ताद आमिर खान साहब का कॉल था जो हमारे अब्बा के मुंह से हमने सुना। टू गुड नैना मोरे, बिल्कुल मैं आप लोग को सुना था, लेकिन टाइम का कुछ मुझे लगता है कि काफ़ी वो चीज़ है। फिर भी मैं आपको दो लाइन सुना देता हूँ। रमेश भैया, काफ़ी लोग बोल रहे हैं नैना मोरे के लिए। नैना मोरे तरस गई रे पहल माँ, राहत को मैं थक गए नैना। नैना मोरे तरस गई रे पहल माँ। इस वक्त तो हमारे सारे कलाकार के जो तरस रहे हैं हम उस चीज़ के लिए, वो है स्टेज। यकीन करो बड़ा तरस रहे हैं यार उसके लिए। बचपन से आदत पड़ चुकी है, 6 साल की उम्र से अब्बा के साथ पीछे बैठने की, तो स्टेज की बड़ी बुरी आदत लगी है कि आज भी मिस कर रहे हैं उसको। तो खैर अपना ख्याल रखें और सबको मेरा सलाम अर्ज, और सबको प्यार, सबको दुआएं, बी सेफ। और एक बार फिर मैं दुर्गा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक उत्साह करके ये जो सोच है, जो हमारे दिल की बात है, जो हर एक इंसान की दिल की बात है, जो उत्साह हम सब पूरी फैमिली में हर एक बच्चे बच्चे के अंदर ये उत्साह है कि कुछ अच्छा हो और हम लोग जल्द से जल्द हमारी लाइफ जैसे थी वैसे ही हम लोग इसको चलाएं। और वही चीज़ है कि इंशाल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि हम लोग वापस एक दूसरे के साथ बैठें, उठें, एक दूसरे के घर जाएं, मिलें जुलें। और बस ये समझ लो कि ये जो वक्त है ये हमारा फैमिली के साथ रहने का वक्त है, उनके साथ दुख सुख बांटने का वक्त है, पड़ोसी आस पड़ोसी के साथ दुख सुख बांटने का वक्त है। इस वक्त हर एक फैमिली में हर एक लोगों को फ़ोन करके इत्तला करके आप पूछिए कैसे हैं, क्या है, कुछ भी मदद हो, कुछ भी ज़रूरत हो, तो प्लीज़ यही एक मौका है, इसको ना गंवाएं। चाहे म्यूज़िक के ज़रिए ही क्यों ना, जो कि दुर्गा जी कर रही हैं, हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, सब कलाकार करते हैं, मुराद भाई भी लाइव होते हैं और भी बहुत से कलाकार लाइव होते हैं। सो प्लीज़ ऐसे ही हम लोग एक गाने बजाने से आप लोग को एंटरटेन कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं।
तो आप प्लीज़, डॉक्टर अपना काम कर रही हैं, पुलिस अपना काम कर रही हैं, और हमारी सरकार पूरी मिलके कोशिश में ये लगी है कि बहुत जल्द से जल्द इंशाल्लाह कुछ अच्छी खबर होगी, कुछ अच्छा फैसला होगा, कुछ अच्छी चीज़ें होगी, वही बातें होगी, वही ज़माना होगा, वही सब चीज़ें होंगी। तो हम हमारा काम कर रहे हैं कलाकार, आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, आप लोगों को प्यार कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल एहतियात के साथ रखें अपना। सनी जी, अलबेला सजन, बिल्कुल हम सब अलबेला ही हो चुके हैं इस वक्त भैया। सो साधमा बहन जुड़ी हैं, सलाम अलैकुम बहन, उम्मीद करता हूँ कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा साहब चचा सब खैरियत से हैं घर में। और आर के साहब जुड़े हैं, अयूब खान साहब जुड़े हैं जो कि मेरे चचा हैं, और वो भी जोधपुर से ही हैं, बहुत कमाल गाते हैं और यहीं जोधपुर के वासी हैं, यहीं रहते हैं, वर्सेटाइल इंसान है। तेजस जी, अरे तेजस भैया क्या हाल है। सो ठीक है भैया, दिल तो नहीं कर रहा आप लोगों से अलविदा कहने का, लेकिन करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के बीच हम लोग ऐसे ही आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, खुदा हाफिज़।